पिछले दो हफ्तों में गैर मुनसरिफ असमा को हम कैसे पहचानेंगे, इस ताल्लुक से गुफ्तगू हुई है। कौन कौन से असमा गैर मुनसरिफ होते हैं, उनके अलामात क्या हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये इस्म गैर मुनसरिफ है, तो पूरी तफसील आ चुकी है। अब आज मुख्तसरन ये बताऊंगा कि जो असमा गैर मुनसरिफ होते हैं वो कभी कभार मुनसरिफ के हुक्म में आ जाते हैं। जो मामला मुनसरिफ के साथ किया जाता है वही मामला उन असमा के साथ किया जाएगा जो असमा गैर मुनसरिफ होते हैं। इतना समय कहते हैं पिछले हफ्ते में जो मैंने बताया था कि ये सारी अलामत हैं, अगर ये अलामतें पाई जाएं तो वो असमा गैर मुनसरिफ समझे जाते हैं। जैसे बताया था कि इस्म के आखिर में अलिफ ममदूदा हो, जायद हो, बराए तानीस हो या बराए जमा हो, तो वो इस्म गैर मुनसरिफ होता है। ऐसा इस्म जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जायद बराए तानीस हो, वो इस्म गैर मुनसरिफ होता है। वो जमा जो फालिलो या फालिलो के अंदाज पर हो, वो जमा गैर मुनसरिफ होता है। ऐसे ही और जो भी अलामतें सूरतें मैंने बताई थी, वो सारी अलामतें पाई जाएं तो वो इस्म गैर मुनसरिफ करार पाएगा। गैर मुनसरिफ करार पाया तो अब ये समझ लें कि उस पर कसरा भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ आज के सबक में ये बताऊँगा कि वो सारे असमा जिनको हमने गैर मुनसरिफ समझ लिया है और हकीकत में वो गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं कि वहाँ पर इन गैर मुनसरिफ इस्मों के साथ में मुनसरिफ जैसा बर्ताव किया जाता है। गैर मुनसरिफ के साथ क्या मामला होता है? अगर इस्म गैर मुनसरिफ है तो उस पर तनवीन नहीं आती, कसरा भी नहीं आता, लेकिन जो अलामतें बताई गई हैं कि ये अलामतें पाई जाएँ तो ये तो वो असमा गैर मुनसरिफ हैं। अलामतें भी पाई जा रही हैं और वो असमा गैर मुनसरिफ हैं भी, लेकिन कभी कभार उनके साथ में गैर मुनसरिफ का मामला ना करके मुनसरिफ वाला मामला किया जाता है, यानी क्या, उन पर तनवीन भी आती है और कसरा भी आता है। इतनी बात वाजे हुई। गैर मुनसरिफ की अलामतें पाई जाएं तो वो इस्म गैर मुनसरिफ करार पाएगा, और जब कोई इस्म गैर मुनसरिफ करार पाए तो उस पर तनवीन नहीं आती, कसरा भी नहीं आता, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं, कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर गैर मुनसरिफ इस्म को हम मुनसरिफ कर देते हैं और फिर उनके साथ में मुनसरिफ वाला मामला किया जाता है, यानी कसरा भी आएगा और तनवीन भी आएगी। बात वाजे हुई। उसमें से नंबर एक कहते हैं कि इस्म पर ऐसे असमा पर जो गैर मुनसरिफ हैं, उन असमा पर अगर हम अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो वो असमा मुनसरिफ हो जाएंगे, उनके साथ में अब गैर मुनसरिफ जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी, है ना, रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी, अल मशारिक और अल मगारिब, अलिफ लाम दाखिल हो गया जिसकी वजह से मशारिकी है और मगारिबी है, जबकि ये क्या था, फ़ालिलु और फ़ालिलु के अंदाज वाले कायदे के तहत था ये, है ना, तो ये फ़ालिलु के अंदाज पर है, मशारिकु फ़ालिलु। अगर हम अलिफ लाम के बगैर कहेंगे तो हम मशारिकु कहेंगे, मशारिकु, मगारिबु, मशारिकुन नहीं कहेंगे क्योंकि गैर मुनसरिफ है, लेकिन वही गैर मुनसरिफ जैसे उस पर आपने अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो अब वो गैर मुनसरिफ नहीं रहा, वो मुनसरिफ हो गया। इतनी बात समझ आई। रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी, अल मशारिक और अल मगारिब अलिफ लाम दाखिल है,
जबकि वो गैर मुसरिफ है, गैर मुसरिफ है लेकिन अलिफ लाम के दाखिल हो जाने की वजह से वो इस्म मुनसरिफ करार पाया। नंबर दो, ऐसा कोई गैर मुनसरिफ इस्म कि जो कायदे के तहत गैर मुनसरिफ हुआ था, गैर मुनसरिफ इस्म को अगर हम मुजाह बना देंगे तो वो गैर मुनसरिफ इस्म मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे उलमा उ गैर मुनसरिफ है, उलमा उ गैर मुनसरिफ है, लेकिन उलमा उ को जैसे हमने मुजाफ कर दिया तो ये उलमा उ अब मुनसरिफ हो गया। जैसे मैं कहूँ फ़ी उलमा इल हिंदी, फ़ी उलमा इल हिंदी, उलमा गैर मुनसरिफ है लेकिन इसको हमने मुजाफ बना दिया, उलमा मुजाफ अल हिंदी मुजाफ इले, उलमा को जैसे हमने मुजाफ कर दिया वैसे ही वो गैर मुनसरिफ से मुनसरिफ बन गया। और गैर मुनसरिफ बना है, हमने कैसे समझा कि गैर मुनसरिफ से मुनसरिफ हो गया? फ़ी उलमा इल हिंदी, उलमा ई, जबकि गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता लेकिन यहाँ पर उलमा ई हो गया, उलमा इल हिंदी। बात समझ में आई? पूछना कुछ पूछ रहे हैं? कुछ भी अब तक जो बातें बताई गई हैं, सिर्फ दो ही बातें बताई गई हैं कि जिन अस्मा को पहचान करके हमने समझ लिया कि ये अस्मा गैर मुसरिफ हैं तो हैं गैर मुसरिफ, वो सूरतें पाई गईं, असबाब पाए गए, वजूहात पाए गए कि ऐसा ऐसा रहेगा तो गैर मुसरिफ हो गया, है गैर मुसरिफ। लेकिन अगर आपने उस गैर मुसरिफ इस्म पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो वो गैर मुनसरिफ इस्म क्या हो गया? मुनसरिफ हो गया। अब उस पर जो मामला मुनसरिफ के साथ में होता है वो मामला किया जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया रब्बुल मशारिकी वल मगारिब, मशारिक फ़ालिलु के अंदाज़ पर जमा है गैर मुनसरिफ, लेकिन जब हम कहेंगे मशारिकु गैर मुनसरिफ है, मगारिबु गैर मुनसरिफ है, अलिफ लाम जैसे दाखिल किया आपने वैसे मुनसरिफ हो गया वो रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी, ये मुनसरिफ हो गया। अभी एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल या दूसरी सूरत, गैर मुनसरिफ इस्म उस वक्त भी मुनसरिफ हो जाता है जब उसको हम मजाक बना दें, जैसे मैंने मिसाल में कहा फ़ी उलमा इल हिंदी, उलमा मजाफ, जैसे उसको मैंने मजाक बना दिया वैसे ही वो मुनसरिफ हो गया। इतिबा समय में आई? नंबर तीन में कहते हैं वो इस्म जो से हरफी हो, यानी तीन हरफ वाला हो, वो इस्म जो से हरफी हो, तीन हरफ वाला हो, साकिनुल औसत हो, यानी तीन में से बीच वाला जो हरफ है उस पर साकिन हो। क्या क्या बताया गया? तीन हरफी इस्म हो, साकिनुल औसत हो, वो इस्म भी मुनसरिफ होता है अगर उसमें अजमियत और तानिस दोनों बातें जमा ना हों। कोई इस्म है वो अजमी है ना, मुअन्नस है, तो वो गैर मुनसरिफ रहेगा। लेकिन अगर कोई इस्म है कि जो तीन हरफी है, बीच वाला साकिन भी है लेकिन अजमियत और तानीस दोनों बातें इसमें जमा नहीं हो रही हैं, इकट्ठा नहीं हो रही हैं, तो फिर वो इस्म गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ये मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे नूहन, लूतन, नून वाव हा, नूहन बीच वाला हर्फ क्या है? साकिन, वाव के ऊपर साकिन है। नूहन लूतन अजमी ज़रूर है लेकिन अजमियत और तानीस दोनों बातें जमा हूँ, हर वो हो तीन हरफी इस्म जो साकिनुल औसत हो वो मुनसरिफ हो जाएगा, है ना, अगर उसमें अजमियत और तानीस दोनों बातें जमा ना हों। तो नूहन
अजमी ज़रूर है मगर मोनस नहीं है, लूतन अजमी ज़रूर है मगर मोनस नहीं है, तो क्या हो गया, ये मुनसरिफ हो गया। और माहू जूरू, वहाँ पर अजमियत भी है और तानिस भी है, तो जब अजमियत और तानिस दोनों बातें पाई जाएं तो वो हो गया मुनसरिफ होगा। बात समझ आ रही कि नहीं, तीन बातें हमने बताई। नंबर तीन बताता हूँ, एक और दो तो कई बार रिपीट हुआ, नंबर तीन बता रहा हूँ कि वो इसम भी मुनसरिफ होगा जो से हरफी हो, तीन हरफी हो। एक बात हो गई तीन हरफी वाली बात, नंबर एक तीन हरफी हो, नंबर दो साकिनुल औसत हो, बीच वाला हर्फ साकिन हो। इन दोनों के हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि ये दोनों बातें तो हैं लेकिन अजमियत और तानिस दोनों बातें इसमें ना पाई जाएं। अगर अजमियत और तानिस दोनों बातें पाई जा रही हैं तब तो गैर मुनसरिफ, लेकिन अजमियत और तानिस या तो ये है या तो ये है, कोई एक है, या तो अजमियत है या तो तानिस है, दोनों इकट्ठा नहीं हो रहा है ना। अगर दोनों इकट्ठा नहीं हो रहा है तो मुनसरिफ, और दोनों बातें इकट्ठा हो रही हैं तो गैर मुनसरिफ। हम मिसाल में देखें, मैंने कहा नूहन, सबसे नंबर में क्या कहा गया, तीन हरफी हो, नूहन तीन हरफी है। नंबर दो पे हमने कहा साकिनुल औसत हो, साकिनुल औसत भी है, नूहन और लूतन साकिनुल औसत है, से हरफी भी है साकिनुल औसत भी है, ये दो बातें तो पाई जाएंगी, इनको तो देखना ही है। इन दोनों बातों को देखने के बाद अब हम गौर करेंगे कि इसमें अजमियत और तानिस ये दोनों बातें इकट्ठा ना होनी पाएं। अगर दोनों चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं तब गैर मुनसरिफ, दोनों में से कोई एक पाई जाए तो मुनसरिफ। हम देख रहे हैं कि नूहन लोतुन से हरफी भी है, साकिनुल औसत भी है। अब देखेंगे आगे वाला, अजमियत और तानिस ये दोनों बातें अगर जमा हो रही हैं तो गैर मुनसरिफ, अगर जमा नहीं हो रही हैं तो मुनसरिफ। हम देख रहे हैं कि नूहन अजमी है लेकिन मोनस तो नहीं है, है ना। अजमी मोनस दोनों रहता तो हम कहते गैर मुनसरिफ, लेकिन अजमी और मोनस दोनों में से कोई एक नहीं है, तो गर्चे वो साकिनुल औसत है, गर्चे वो तीन हरफी है, फिर उसका साथ ये मामला नहीं होगा। तो नूहन और लोतुन साकिनुल से हरफी भी है, साकिनुल औसत भी है, लेकिन इसमें अजमियत और तानिस दोनों बातें जमा नहीं हो रही हैं। नू अजमी ज़रूर है लेकिन मुअन्नस तो नहीं है, तो कहेंगे ये मुनसरिफ है। लेकिन अगर दोनों बातें जमा हो रही हूँ, अजमी भी हो तानिस भी हो, तब फिर वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे माहू, मीम अलिफ छोटी हा, माहू और जूरू, जी मुआवरा, माहू और जूरू ये तीन हरफी भी है, साकिनुल औसत भी है, और अजमियत और तानिस दोनों बातें इसमें पाई जा रही हैं, इसलिए गैर मुनसरिफ होगा। फ़र्क समझ में आया। नूहन लूतन एक मिसाल, नूहन लूतन एक मिसाल, और माहू जूरो दूसरी मिसाल। नूहन और लूतन उसमें एक पहली बात क्या है, सहरफी हो, ठीक है, साकिनुल औसत हो, वो भी है, अजमियत और तानिस दोनों बातें जमा ना हों तो जमा नहीं है। नू और लूत अजमी है लेकिन मुनस नहीं है, तो कहते हैं कि फिर यह गैर मुनसरिफ नहीं है। लेकिन अजमियत और तानिस अगर दोनों बातें जमा हैं तो मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे माहो जोरो तीन हरफी भी है, साकिन औसत भी है, अजमियत और तानिस दोनों बातें जमा भी हैं, इसलिए गैर मुनसरिफ होगा। कहते हैं नंबर चार, अलम को नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अलम को नकरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अलम किसे कहते हैं? अलम मारफा है, किसी ख़ास का नाम है, है ना? जैसे जैद, हामिद, अमर, तारिक, जो भी किसका नाम हो, तो नाम है ना, तो ख़ास हो गया, प्रॉपर हो गया। कहते हैं उस प्रॉपर को कॉमन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा है
तो वहाँ वो मुंसरिफ हो जाएगा। अलम को नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो गैर मुंसरिफ था तो था, अब नहीं रहा। तीन सूरतें आपने समझ ली ना, गैर मुंसरिफ के मुंसरिफ होने की तीन सूरतें। चौथी सूरत क्या है, कोई गैर मुंसरिफ है, अलम है, लेकिन वो नकरा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो नकरा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो गैर मुंसरिफ था लेकिन अब नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर फिल बैती तलहतुन आखर, घर में कोई दूसरा तलहा है। ऐसा हम कब बोलते हैं, दो तलहा, दो बच्चे तलहा नाम के मदरसे में थे, हमने किसी से पूछा कि वो तलहा बिन फला है क्या कमरे में, तो सामने वाले ने जवाब दिया नहीं, वो दूसरा वाला तलहा है, दूसरा कोई तलहा है, वो तलहा नहीं है, समझे ना, दूसरा कोई तलहा है। नाम तो है तलहा लेकिन अब यहाँ पर कॉमन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब अलम को कॉमन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो वो गैर मुंसरिफ से मुंसरिफ हो जाता है। जैसे फिल बैती तलहतुन आखर, तलहा ये गैर मुंसरिफ था, तलहतो होना चाहिए था लेकिन तलहतुन इस्तेमाल हुआ है तनवीन के साथ में, तलहतुन, तलहतुन आखर। चार बातें समझ में आई। नंबर पाँच, कहते हैं कि शेर में, अशआर में या नसर में वज़न बिठाने के लिए भी गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ कर लेते हैं, चाहे अशआर हो या नसर हो, शेर हो या नसर हो, वज़न बिठाने के लिए भी गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ कर लेते हैं। वज़न बिठाना समझते ना, आखिरी जो सिलसिला रहता है ना, आखिर में नून नून आ रहा है या नून को आखिर में कसरा आ रहा है ना, तो अब पूरे शेर में हर जगह दूसरे वाले मिसरे में नून नून आया हुआ है या जो भी लफ्ज़ आया हुआ, हर्फ आया हुआ है, उसको कसरा दिया गया है। अब यहाँ इस शेर में जो आ रहा है ये गैर मुंसरिफ लास्ट वाला, तो कसरा की जगह पर फतह होना चाहिए था, लेकिन कहते नहीं, वो वज़न मिठाने के लिए इसको हमने फतह के बजाय कसरा दे दिया। इतनी बात समझ में आई। पाँच हो गया। नंबर एक, गैर मुंसरिफ पर जब अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो वो गैर मुंसरिफ मुंसरिफ हो जाएगा। नंबर दो, गैर मुंसरिफ को जब मुजाफ कर देंगे तो भी वो मुंसरिफ हो जाएगा। नंबर तीन, इस्म से हरफी हो, तीन हरफी हो, साकिनुल औसत हो और उसमें अजमियत और तानिस दोनों बातें जमा ना हों तो भी मुंसरिफ होगा, लेकिन अगर जमा हो जाएंगी तो फिर वो गैर मुंसरिफ हो जाएगा। तीन बातें हुई है ना। चौथी बात कि अलम को नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कोई अलम है उस अलम को नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पांचवी बात, शेर के वज़न को मलहूज़ रखते हुए या नसर के वज़न को मलहूज़ रखते हुए हम गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ का इराब दे दें। जैसे मैंने बताया है ना कि आखिर में शेर के आखिर दूसरे वाले मिसरे में आखिर वाले हर्फ को कसरा आ रहा था सब जगह, लेकिन अब जो इस्म आ रहा है वो गैर मुंसरिफ है लेकिन कसरा कसरा देते हुए आए थे, तो इसको भी कसरा देना पड़ रहा है जबकि गैर मुंसरिफ पर कसरा नहीं आता। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 120। इसमें है ना, हमको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ना है ताकि आज ये ख़त्म हो जाए। अल्फाज मानी कुछ नहीं है और हमें ख़ास तौर से तवज्जो देना है कि असमा जो आ रहे हैं क्या वो गैर मुंसरिफ हैं या मुंसरिफ, अगर गैर मुंसरिफ हैं तो उसकी वजह बताना हमको। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस, मन अंत या अखी, है ना, मन अंत या अखी, तो अहमद क्या आ रहा है, चलिए पढ़िए। जी मस्मुक, मस्मुक, हाँ, इस्मी अहमदु, देखिए इस्मी अहमदु, अहमदुन नहीं है, क्या है, अहमदु, यानी कि गैर मुंसरिफ है।
गैर मुशरिफ है इसीलिए इस पर तनवीन नहीं आई है। अब बताएं गैर मुशरिफ कैसे है, आपने कैसे समझा कि गैर मुशरिफ है, क्या वजूहात हैं, क्या अलामतें हैं, असबाब क्या हैं कि जिनके बना पर हम कह रहे हैं कि गैर मुशरिफ है। पिछले हफ्ते क्या बताया था मैं, चलिए एक मैं बता देता हूँ, आगे चलते हैं। नंबर एक तो ये आलम है ना, और एक ये अला वज़्निल फ़ेल, फ़ेल के वज़न पर है ना, फ़ेल के वज़न पर है, फ़ेल के वज़न पर है ना। अहमदु अजहबु अफ्तहु है ना, फ़ेल के वज़न पर है। हाँ पाकिस्तान है ना, मिन मिन दाखिल, देखिए मिन दाखिल हरफ़ जर, मिन दाखिल होने के बाद इसको पाकिस्तानिन होना चाहिए था, लेकिन क्या आया है, तनवीन भी नहीं आई और कसरा भी नहीं आया, कसरा की जगह पर फतह आ गया है, क्या लिखा है, अना अमिन पाकिस्ताना। अब इसको बताएं है ना जी, माशाल्लाह। चलिए आगे, मुदर्रिस ने कहा इंदी सबअतु दफातिरा, सबअतु मुजाफ है और दफातिर ये मुजाफ इले है, मुजाफ इले पर कसरा आता है, कसरा, और चूंकि अलिफ लाम दाखिल नहीं इसलिए तनवीन आनी चाहिए थी, होना चाहिए था सबअतु दफातिरिन, ये होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि नहीं दफातिर नहीं हुआ, दफातिरा है, तनवीन भी नहीं आई और कसरा भी नहीं आया, इसका मतलब गैर मुशरिफ है। तो अलामत वजह क्या है, हाँ फ़ालिलु के अंदाज पर जमा है जी। अब देखिए तो यहाँ पर इब्राहिम, उस्मान, यूसुफ़ और तलहा, ये चार असमा गुजरे हैं और चारों हमको गैर मुशरिफ दिख रहे हैं, अलामत क्या है, वजूहात क्या हैं, उसका पता लगाना है, क्या वजह हो सकती है। साथ भाई कैसे हमने समझा या कैसे हम मान लें कि ये है गैर मुशरिफ हैं जी। हाजा किताबु हमजता, अब यहाँ पर हमजता आया हुआ है, ये भी गैर मुशरिफ है ना, गैर मुशरिफ नहीं होता तो मुजाफ इले होने की वजह से मजरूर होता, क्योंकि किताबु मुजाफ है तो हमजता गैर मुशरिफ है, क्यों। अब देखिए नाम जहाँ पर भी आए तो नाम के साथ में जो बातें बताई गई थी, अलम हो बशर्ती की ये बताया गया था, तो उसको आप देख सकते हैं, उसकी रोशनी में कह सकते हैं, अलम हो आखिर में गोलता हो, ये बताया गया था। उसके बाद आइना अलीयुन या इख्वानु जहबा इल रियाजी, वो आइना याकूबु, जी याकूब, याकूब भी गैर मुशरिफ है, कैसे मालूम, जी अलम है जी। उसके बाद फिर जहबा इला मक्कता, हाँ अलम है गोलता जी, क्या बोल रहे हैं, अलम है और अजमी है जी, क्या नहीं नहीं अब जोर है तो उसको बताइए। हाँ ऐसे इसहाक भी है ना, बात वाला इसहाक भी, वो भी वैसे जो अभी, उसके बाद अलम और ता, उसके बाद है खरजा कबल खम्स दकाइका, दकाइका हाँ फ़ालिलु के अंदाज पर जमा है जी। अब उसके बाद फिर एक्सरसाइज है तो तअम्मल अल अमसलतल आतियता, आने वाली मिसालों पर गौर करें। मुहम्मदुन मिन मुहम्मदिन इला मुहम्मदिन ले मुहम्मदिन किताब मुहम्मदिन, मुहम्मदिन मुहम्मदिन सब में आ गया। उसके बाद ज़ैनबु है, सेम वैसी बात है, मिन मुहम्मदिन वैसे मिन ज़ैनबा, इला मुहम्मदिन इला ज़ैनबा ले ज़ैनबा किताब ज़ैनबा, तो एक में तो तनवीन भी है और कसरा भी है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो कहते हैं ऊपर वाला ये मुनसरिफ है, नीचे वाला गैर मुनसरिफ है। हाँ कहते हैं इकरा वक्तु, पढ़ो और लिखो, हाजल किताबु लि मुहम्मदिन वज़ालिका ली ज़ैनबा, ज़हबा खालिदुन इला इला अरफजर है जी, इला अरफजर अहमदा जी, ज़हबा अभी इला, हाँ तनवीन नहीं देंगे, एक बात तो ये गैर मुशरिफ रहेगा तो तनवीन नहीं देंगे, कसरा भी नहीं देंगे। अब वो इस मगर हालत रफ़ में आना चाहता तो हालत रफ़ में आए एक पेश के साथ में बगैर तनवीन के, हालत नस में आना चाहता तो हालत नस में आए
बगैर तनवीन के। हालत जर में आना चाहता था तो अब जर में तुम कसरा दे नहीं सकते, उसको हम उठा के फतह कर देते हैं जी, फतह कर देंगे। अब क्या हो गया, इब्राहीमु, इब्राहीमा और इब्राहीमा, हालत रफ में इब्राहीमु, हालत नस में इब्राहीमा और हालत जर में भी इब्राहीमा, यानी हरफ जर आ रहा है तो कसरा होना चाहिए था, लेकिन गैर मुसरिफ होने की वजह से कसरा नहीं आएगा, कसरा के बजाय वो फतह हो बदल जाएगा। सैयारतु हामिदिन है ना, हामिदिन और सैयारतु इब्राहीमा है ना, एक मुनसरिफ दूसरा गैर मुनसरिफ। आगे हाँ, मुजाफिले, मुजाफिले दोनों है, हामिद भी मुजाफिले है और इब्राहिम भी मुजाफिले है, लेकिन एक पर कसरा और तनवीन दोनों है, हामिदिन, जबकि इब्राहिम पे कसरा भी नहीं तनवीन भी नहीं, तनवीन कसरा के बजाय फतह, सैयारतु इब्राहीमा हो गया, सैयारतु इब्राहीमा। ज़हबा मुहम्मदुन इला अहमद, अब यहाँ पर दोनों दोनों जुमलों में सिर्फ अहमद बचा है, जिसके बारे में अभी बात हो चुकी है कि आलम है वो और अफलों के वजन पर। उख्तु फातिमा तालिबतुन, उख्तु फातिमा तालिबतुन, यहाँ पर फातिमा है, तो फातिमा गैर मुसरिफ है, कैसे हमने समझा जी। चलिए आगे, आगे कहते हैं कि इकराइल कलिमातिल आतियत वक्तुबहा माजती अवाखिरी है, आने वाली कलिमात को पढ़ो और उसके आखिर में इराब लगाते हुए उसको आप नोट करो, लिखो। चलिए पढ़िए उसको, आने वाली कलिमात को पढ़िए और आखिर हर्फ पर इराब लगाते हुए उसको नोट कर लीजिए। अब कहते हैं उक्तुबिल आदाद मिन सलासा इला अशरा वजअल कुल्ल मिन कलिमातिल आतियती मअदूदन लहा। अब देखिए पिछले का इरादा किया गया है, कहते हैं कि तीन से लेकर के दस तक की गिनती लिखिए और हर एक कलिमात के लिए उसका मअदूद लेकर के आइए। मअदूद कहाँ से लाना है, जो अल्फाज जो असमा नीचे दिए गए हैं इन्हीं असमा में से चुन करके आपको लिखना है, तीन से लेकर के नौ तक। तीन तीन है ना, और मस्जिद, इसकी अरबी बनाइए, तीन मस्जिदें। चलिए आप बताइए तरतीब से बताइए, सलासतु सलासतु मसाजिदा है ना, सही है ना, सही कैसे हुआ, तीन से लेकर के नौ तक की जो गिनती है ये अपने मादूद के उल्टा होती है, मुखालिफ होती है, और मादूद क्या होता है, जमा और मजरूर होता है, तो हम इसको सलासतु लेकर के आएंगे क्योंकि मस्जिद मुजक्कर है, तो हम लेकर के आएंगे सलासतु, ठीक है, सलासतु लेकर के आ गए हम, मस्जिद का उल्टा लाए ना मोनस, मस्जिद मुजक्कर तो ये मोनस लेकर के आए। अब मस्जिद है तो कहते हैं कि तीन से लेकर के नौ तक की का जो मादूद होता है वो जमा और मजरूर, जमा और मजरूर, मस्जिद की जमा मसाजिद, तो हम कहेंगे कि मसाजिदिन होना चाहिए था, सलासतु मसाजिदिन होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि मसाजिदिन कैसे होगा जब ये फ़ालेलो के अंदाज़ पर जमा है ना, जब ये फ़ालेलो के अंदाज़ पर जमा है तो गैर मुशरिफ, तो जब गैर मुशरिफ है तो कसरा तनवीन तो आती नहीं, तो हम कहेंगे सलासतु मसाजिदा, सही हो गया। जुमला हाँ जी, कसरा होना चाहिए था ना, जमा और मजरूर होता है ना, तीन से लेकर नौ तक का मादो जमा मजरूर, तो चूंकि कसरा नहीं ला सकते हम, इसलिए हम उसकी जगह पर हम फतह लेकर के आएंगे। कसरा सलासतु कुतुबिन, बैठ गया ना, पकड़ रही उसको अभी। उसके बाद फिर कुर्सी, कुर्सी हाँ नौ वाला चल रहा है नहीं, कुर्सी की जमा क्या आएगी, करासी, करासी कुर्सी जमा करासी जी, क्या बोलेंगे हम, तिस आतू जी। उसके बाद फिर है मत दरासा तुन, मत दरासा तुन, साथ भाई रिपीट कर दीजिए, तीन से नहीं दसवां भी है, दसवां भी है, दसवां है, अशरतु नहीं सही नहीं है, कौन बताएगा, देखिए मदरसा ये मुअन्नस है, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, मदरसा क्या है, मुअन्नस, हाँ
हाँ मदा तू नहीं होगा, ता कहाँ से लेकर के आ रहे? मदरसा की जमा क्या आती? मदारिस आती ना, तब जी मदारिस। क्या बताया? रा पर पता नहीं रहेगा, रू रहेगा। मदारिस। उसके बाद फिर दकी। हाँ हाँ ता नहीं रहेगा जी। उसके बाद क्या है? दकीकतुन, इसकी जमाती है दकाइक। हाँ तो तीन से कर लीजिए, दस तक तो हो ही गया है। दकीक चीज जमा क्या आती है? दकाइक जी। सलासतु, सलासतु दकाइका। सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? ये मुअन्नस है। दकीका क्या है? मुअन्नस। और मुअन्नस है उसके बाद भी आप गिनती लेकर के आ रहे हैं मुअन्नस। फिर से ठीक कीजिए, उल्टा होना चाहिए। नहीं, अरबा खमसा नहीं करना है। सलासु और सलासतु दोनों फ़र्क है ना। सलासतु में गोलता है मुअन्नस है वो, और सलासु क्या है? सुल्तान ही मुज़क्कर है वो जी। तो क्या करेंगे? जब दकीका ख़ुद मुअन्नस है तो इसके लिए जो हम अदद लेकर के आएंगे वो मुज़क्कर लेकर के आएंगे। अगर ये मुज़क्कर होता तो मुअन्नस लेकर के आते। अभी तक आप देखते गए हैं, है ना, मदरसा और दकीका इन दोनों को छोड़ करके जितने भी हैं सब मुज़क्कर थे, तो सबों के लिए मुअन्नस लेकर के आए। अब ये दोनों मुज़क्कर हैं, ये दोनों मुअन्नस हैं, तो यहाँ मुज़क्कर लेकर के आएंगे। दकीकतुन मुअन्नस, इसके लिए हम गिनती क्या लाएंगे? मुज़क्कर। तो एक सलासतु है और एक सलास